कोरोना वैक्सीन का आज तीसरा चरण फरीदाबाद में भी शुरू किया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। फरीदाबाद में करीब 4 लाख लोगों को कोरोना वैक्सीन लगनी है। पहले दिन 5 सरकारी जबकि 5 निजी अस्पतालों में वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। SMO डॉक्टर रमेश का कहना, कोविड ऐप, वेबसाइट, आरोग्य सेतु के साथ मौके पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी अस्पतालों में वैक्सीन समय पर ही भिजवा दी गई थी। डॉक्टर रमेश का कहना है कि 45 से 59 साल तक के जो व्यक्ति बीमार हैं, उन्हें अपने मौके पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी अस्पतालों में वैक्सीन समय पर ही भिजवा दी गई थी। डॉक्टर रमेश का कहना है कि 45 से 59 साल तक के जो व्यक्ति बीमार हैं, उन्हें अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद मौके पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी अस्पतालों में वैक्सीन समय पर ही भिजवा दी गई थी। डॉक्टर रमेश का कहना है कि 45 से 59 साल तक के जो व्यक्ति बीमार हैं, उन्हें अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट देना होगा। उसके वेबसाइट आरोग्य सेतु के साथ मौके पर भी रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है। उनकी तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है। सभी अस्पतालों में वैक्सीन समय पर ही भिजवा दी गई थी। डॉक्टर रमेश का कहना है कि 45 से 59 साल तक के जो व्यक्ति बीमार हैं, उन्हें अपनी बीमारी का सर्टिफिकेट देना होगा, उसके बाद उन्हें वैक्सीन लगा दी जाएगी। इसके अलावा 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग व्यक्तियों को भी रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीन लगवाई जा रही है। डॉक्टर रमेश चंद्र, डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर, फरीदाबाद। कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण की शुरुआत हुई है, किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह का लोगों को रुझान देखने को? आज तीसरे चरण की शुरुआत है। तीसरे चरण में हमने 60 साल से ज़्यादा की पॉपुलेशन और 45 साल से 59 ईयर्स तक के जो कोमोरबिडिटी वाले हैं, उनकी को कवर करना है। आज हमारी पूरी तैयारी है। आज 10 सेंटर बनाए गए हैं। 5 सेंटर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं और जो 5 सेंटर हैं वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। सबको टाइम पर वैक्सीन दे दी गई है और ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन चालू है और पोर्टल पे भी जो बेनिफिशियरी हैं वो रजिस्ट्रेशन घर बैठे भी कर सकते हैं। किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है और लगभग कहाँ कहाँ सेंटर्स हैं, कुछ अगर जानकारी दे पाए? सेंटर हमारे आज तो सिर्फ 5 ही बने हैं, सरकारी के और 5 प्राइवेट के बने हैं। जैसे ही बेनिफिशियरी रजिस्टर करेंगे उस हिसाब से हम डिमांड के हिसाब से सेंटर बढ़ा देंगे। हमारे 45 सेंटर्स हैं सरकारी वाले, जिसपे सब पे कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स 250 रुपये के आसपास चार्ज कर रहे हैं? ये प्राइवेट हॉस्पिटल जो CGHS के एमपैनल पे हैं या आयुष्मान भारत के एमपैनल पे हैं, उनको इसके लिए ऑथराइज किया गया है। इसमें चार्जेज लगाए गए हैं 100 रुपये जो हॉस्पिटल अपने फीस चार्ज करेगा एक तरह से रजिस्ट्रेशन का, और 150 रुपये वैक्सीन का चार्ज है जो उसको बेनिफिशरी से लेकर और सरकारी खाते में जमा करवाना होगा।